हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हों। और आप लोगों में से जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, हाय, आई एम अंजलि और मेरी एक 4 साल की बेटी है और एक 1.5 साल का बेटा है। और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने दोनों बच्चों का मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन, और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी उनका इवनिंग टू नाइट रूटीन। बिकॉज एक ही वीडियो में फुल डे रूटीन शेयर करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज विदित 6 बजे से ही उठ गया था। मैंने ट्राई किया कि वो फिर से सो जाए, बार बार ऐसा लग भी रहा था कि शायद वो सो गया है, बट वो फिर से उठ जा रहा था। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं तो आदवी को भी वो उठा रहा है, और दोनों डेली 8 या 8:30 बजे के अराउंड उठते हैं, बट विदित आज जल्दी उठ गया है तो वो आदवी को भी उठा देगा। और रोज़ ऐसे ही होता है, जो भी दोनों में से पहले उठता है वो दूसरे को भी उठा देता है। और हम लोग कितना भी ट्राई कर लें कि बच्चों को एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना है, बट जब बच्चे इतने छोटे होते हैं तो चीज़ें आगे पीछे हो ही जाती हैं और हमें फ्लेक्सिबल होकर चीज़ों को मैनेज करना होता है। जैसे कभी बच्चे थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, कभी थोड़ा ज़्यादा सो लेते हैं, और उस हिसाब से हमें सब कुछ थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ता है। बट अभी से ही अगर बच्चों को एक प्रॉपर रूटीन में सेट करना शुरू किया जाए तो आगे चल के उनके लिए एक हेल्दी और अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है। अभी स्कूल भी नहीं खुले हैं तो और ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चों के लिए रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाना। मैं टाइम को लेके थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहती हूँ, 1-1.5 घंटे का मार्जिन लेके चलती हूँ हर चीज़ के लिए, बट मैंने एक सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन प्लान किया होता है कि मुझे दिन भर में ये सारी चीज़ें कवर करनी है टाइम और बच्चों के मूड को मैनेज करते हुए, जिससे कि उनकी 5 टाइम मील्स, आउटडोर एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आदवी की स्टडीज़ और बच्चों की प्रॉपर नींद भी कवर हो जाए। बच्चे उठने के बाद काफ़ी देर तक बेड में ही एक दूसरे के साथ खेलते हैं और उसके बाद बाथरूम में जाके फ्रेशन अप होके ब्रश वगैरह कर लेते हैं। बच्चों को ब्रश करा के और उनका फेस वॉश करके अब मैं यहाँ पे उनके हेयर कॉम कर रही हूँ, और उसके बाद विदित का डायपर चेंज करके उसकी ड्रेस भी चेंज कर दी है। सुबह सबसे पहले मैं आदवी को सोक्ड आलमंड्स और कैशूज देती हूँ खाने के लिए, और विदित अभी नट्स नहीं खा पाता है इसलिए उसे रेजिन्स दे देती हूँ। और आज विदित जल्दी उठ गया था तो इस वजह से मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी नहीं हुआ है, अदरवाइज़ मैं बच्चों के उठने से पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो इसलिए अभी मैं उन्हें अनार छिल के दे रही हूँ ताकि वो जितनी देर में अनार खाएंगे उतनी देर में मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए बना रही हूँ रागी के चीले, और इसे मैं पिज्ज़ा स्टाइल में प्रेजेंट करती हूँ तो इसलिए बच्चे बहुत ही ज़्यादा मन से खाते हैं। और इसके लिए मैंने 6 चम्मच के अराउंड रागी फ्लार लिया है, उसमें 1.5 चम्मच सूजी ऐड करके और 1.5 चम्मच के अराउंड दही मिक्स कर लिया है। फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, जैसे हम लोग बैटर बनाते हैं डोसे का, उस कंसिस्टेंसी का ही चीले का बैटर बना लूँगी और उसे रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। 5-10 मिनट के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, जीरा पाउडर और ओरिगैनो हर्ब्स डाल के मिक्स कर लिया है, और उसके बाद मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे ग्रेटेड वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, कैरेट और थोड़े से कैप्सिकम्स ऐड किए हैं, और साथ में ब्रोकलीज ऐड कर दिए हैं, और मेरे पास ड्राइड पुदीना के पत्ते रहते हैं तो वो भी क्रश करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के उस पर इसे स्प्रेड कर लिया है, और उसके बाद फिर कवर करके इसे दोनों तरफ से दबा दबा के अच्छे से सेक लिया है। रागी बहुत हेल्दी होता है और इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन मिलता है, और इसमें डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, तो इसे हम सबको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और ये रेसिपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रागी को अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए। 1 चीला बनने के बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा मोजरेला चीज़ स्प्रेड कर लिया है, और उसके बाद सिमिलर वे में मैंने दूसरा चीला भी बना लिया है, और इस दूसरे वाले चीले को तवे से उतारने से पहले ही मैंने इसके ऊपर मोजरेला चीज़ स्प्रेड कर दिया है, क्योंकि ये इसे हम कवर कर देंगे तो ये तवे पे ही इसकी चीज़ मेल्ट हो जाएगी, और उसके बाद हम इसे गरम गरम पहले वाले चीले के ऊपर रख देंगे तो पहले वाले चीले की भी जो चीज़ हमने लगाई थी वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा पिकी ईटर्स हैं तो आप इस पे
पिज़्ज़ा सॉस लगा के और डिफरेंट सीजनिंग्स, डिफरेंट टॉपिंग्स लगा के फिर बच्चों को सर्व कर सकते हैं। मेरे बच्चे इसे ऐसे ही खा लेते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे ही पिज़्ज़ा शेप में कट करके उन्हें सर्व कर दिया था। और यहाँ पर दोनों बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और अभी आदवी की समर वेकेशन चल रहे हैं, तो मैं उससे 9, 9:30 बजे के अराउंड पे ही ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हूँ। अदरवाइज़ जब उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो 10 बजे जो उसका लॉन्ग ब्रेक होता है उस टाइम पे मैं दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों बच्चे आपस में ही थोड़ी देर तक खेलते हैं और उसके बाद 10, 10:30 बजे के अराउंड मैं दोनों को नहला देती हूँ। नहलाने के बाद मैं उनकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज करके उन्हें ड्रेसअप कर देती हूँ और उसके बाद उनके हेयर कॉम करके उन्हें रेडी कर देती हूँ। नहाने के बाद बच्चे बाहर कॉरिडोर में ही थोड़ी देर तक खेलते हैं। वो आधे एक घंटे तक या तो साइकिल चला लेते हैं या कभी बाइक चला लेते हैं या जो भी उनका मन करता है वो खेल लेते हैं। दिन भर बच्चे घर में ही रहते हैं और वो इंडोर एक्टिविटीज़ ही करते हैं, इसलिए मैं दिन में एक बार उन्हें बाहर कॉरिडोर में खेलने देती हूँ और शाम को हम लोग उन्हें पार्क में या फिर वॉक पे लेके चले जाते हैं, जो कि मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में उनके इवनिंग रूटीन में शेयर करूँगी। इस वीडियो में सिर्फ आफ्टरनून रूटीन तक ही शेयर किया है। बाहर से आने के बाद बच्चों के हाथ पैर धुलवा के मैंने उन्हें ऑरेंज जूस सर्व कर दिया है। ये उनका मिड मॉर्निंग स्नैक टाइम है जो कि 11, 11:30 बजे के टाइम होता है और रोज़ मैं उन्हें फ्रूट्स देती हूँ या ऑरेंज जूस भी दे देती हूँ। आज बच्चों ने फ्रूट पहले खा लिया था इसलिए मैंने अभी उन्हें ऑरेंज जूस दे दिया है और इस टाइम पर बच्चों का जो भी मन होता है, फ्रूट या जूस या जो भी वो चाहते हैं, कभी लबन या लस्सी वगैरह भी ले लेते हैं, तो जो भी वो लेते हैं वो मैं उन्हें दे देती हूँ। बच्चों को जूस पिलाने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने मूंग दाल और अरहर दाल को मिक्स करके वॉश कर लिया है और उसके बाद उसमें चॉप्ड ब्रोकली, टमेटो, कैरेट्स और पटेटोज़ ऐड करके उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड कर लिया है और उसके बाद कुकर का ढक्कन बंद करके उसे 3 सीटी आने तक पका लूँगी। मूंग दाल सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस दाल होती है, ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाती है, इसमें प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है दूसरी दालों के कंपैरेटिवली, इसलिए मैं मूंग दाल को ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ हमारी डाइट में। मैंने दाल और चावल दोनों बना लिया है तो अब हम लोग बैठ के 1-1.5 घंटा साथ में खेलेंगे और इस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ एजुकेशनल टॉयज़ निकालूँ और बच्चों के साथ वो खेलूँ ताकि वो खेल खेल में कुछ चीज़ें भी सीख जाएं। जैसे कि विद्युत के साथ अभी हम लोग यहाँ पे बॉडी पार्ट्स खेल रहे हैं, वो बोल नहीं पाता है बट थोड़ा बहुत रिकग्नाइज़ करना उसने स्टार्ट कर दिया है इस पज़ल के थ्रू भी। इसके अलावा मैं फ्लैश कार्ड्स और छोटी वाली बुक्स दिखा के विदु को अलग अलग चीज़ें सिखाने की कोशिश करती हूँ और मेरा मेन फोकस रहता है कि वो बोलने की कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा और टाइमली बोलने लगे। नोज़ का है शो मी, वेरी नाइस। दीदी की नोज़ का है, आदू अपनी नोज़ दिखाओ भाई को, का है नोज़ विदु की, वेरी गुड। दीदी की नोज़ का है भाई, जाओ तुम भी अपनी नोज़ दिखाओ उससे। विदु, वेयर इज दीदीज नोज, शो मी। दीदी की नोज का और अब मैं बच्चों का लंच सर्व कर दूंगी। मैं दाल को अच्छे से मैश कर दूंगी क्योंकि इसमें जो भी वेजिटेबल्स होंगी वो अच्छे से मैश हो जाएंगी तो बच्चे इजीली खा लेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलता है। और दोनों बच्चों के लिए मैंने थोड़े से चावल, उसमें दाल और उस पर अच्छे से घी डाल के उन्हें सर्व कर दूंगी। उसके साथ मैंने थोड़े से क्यूकम्बर्स भी स्लाइस कर लिए हैं क्योंकि बच्चे वो भी बहुत मन से खाते हैं। लंच
करने के बाद थोड़ी देर विद्युत खेला और उसके बाद सो गया। वो रोज़ 2:30-3 बजे के अराउंड 1-1.5 घंटे सो जाता है। आदवी को मैं नहीं सुलाती हूँ क्योंकि इस टाइम पे स्कूल्स भी नहीं खुले हैं, तो कुछ ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती है, तो बच्चों को थकान कम होती है, और अगर दिन में सुला दो तो रात में उन्हें नींद नहीं आती। इसलिए जब विदित सोता है तो उस टाइम पे मैं आदवी को पढ़ाती हूँ। जब विदित जगा रहता है तब भी आदवी बीच बीच में बुक्स निकाल के या फिर अपने ब्लैक बोर्ड पे कुछ कुछ लिखती पढ़ती रहती है, बट विदित की वजह से उस वक्त मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती हूँ, उस पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, तो इसलिए जब वो सो जाता है तो उसके सोने के बाद मैं आराम से आदवी को पढ़ाने पर फोकस कर पाती हूँ। विदित 4 बजे तक सो के उठ जाता है और इसके बाद स्टार्ट होता है इनका इवनिंग रूटीन। और बच्चों का इवनिंग टू नाइट रूटीन मैं शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसे देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।